हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इजी डिजाइन लेकर आई हूँ। देखिए बहुत ही आसान है बनाने में। देखिए ये डिजाइन आप लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी कार्डिगन, लेडीज कार्डिगन, कैप, फ्रॉक, जैकेट किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। देखिए बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। देखिए ये डिजाइन सिर्फ 6 रोज का डिजाइन है, आपको ये 6 रो रिपीट करते जाना है, 1 से 6 रो तक ही। देखिए इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 13 + 2 एज स्टिच में फंदा लेना होगा, मल्टीपल ऑफ 13 + 2 एज स्टिच। देखिए रॉन्ग साइड पे से दिखता है ये डिजाइन, आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। रो 1 आपको राइट साइड से स्टार्ट करते जाना है। देखिए इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 13 2 × 13 26 + 2 एज स्टिच करके टोटल 28 फंदा डाला है। देखिए रो 1 स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। रो 1 राइट साइड फर्स्ट में देखिए एज स्टिच आपको स्लिप करना है। फिर देखिए अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागे को आगे करना है। फर्स्ट में देखिए दो का एक करना है, उल्टे की साइड से आपको 3 बार करना है। आपको देखिए दो का एक करना है, दो फंदे को एक फंदा बनाना है उल्टे की साइड से 3 बार, 1 2 3। देखिए 3 बार किया है, 1 2 3। अब देखिए धागा पीछे करके इस एक फंदे में आपको 3 फंदा निकालना है। देखिए सीधे साइड से 1 एंड ओवर करके 2 3 और फिर से धागा पीछे करके 2 का 1 करते जाना है उल्टे की साइड से 3 बार। यहाँ पर भी फिर से देखिए 1 2 3। देखिए एक ही डिजाइन कंप्लीट हुआ है यहाँ पर स्लिप फंदे को छोड़कर। देखिए आपको ये रिपीट करते जाना है, आपको रिपीट करना है 2 का 1 करते जाना है उल्टे की साइड से 3 बार, 1 2 3। फिर एक फंदा में 3 फंदा निकालना है, 1 2 3। फिर 2 फंदा के 1 फंदा बनाना है उल्टे के साइड से 3 बार, 1 2 3। देखिए एक बार रिपीट हुआ है, फिर से एक बार रिपीट करना है। यहाँ पर 2 फंदा के 1 फंदा बनाना है उल्टे के साइड से 3 बार। देखिए 1 2 3। देखिए यहाँ पर बीच में आपको 6 आएगा। देखिए 6 बार किया है, 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब देखिए धागा पीछे एक फंदा में 3 फंदा निकालना है, 1 एंड ओवर 2 3। अब धागा आगे करके 2 का 1 करना है उल्टे के साइड से 3 बार, 1 2 3। देखिए यहाँ तक 2 डिजाइन कंप्लीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए फिर लास्ट में आपको एज स्टिच बचेगा, लास्ट फंदा सीधा बनना है। अब देखिए रो 2 रॉन्ग साइड। अब यहाँ पर आपको एज स्टिच स्लिप करना है। फिर देखिए अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागे को पीछे करना है। अब देखिए फर्स्ट में 3 फंदा सीधा, 1 2 3। अब धागा आगे, देखिए यहाँ पर हमने रो 1 में 1 फंदा में 3 फंदा निकाला था, इस 3 फंदा को अब उल्टा बुनना है, 1 2 3। धागा पीछे, फिर से 3 फंदा सीधा, 1 2 3। अब आपको ये रिपीट करते जाना है। देखिए इस स्लिप फंदा को छोड़कर आपको रिपीट करना है, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर 2 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3। अब ये रिपीट करते जाना है, फिर से रिपीट करना है, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। देखिए 3 फंदा सीधा बुन लिया है। देखिए बीच में आपको 6 फंदा सीधा आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए धागा आगे, अब ये 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब धागा को पीछे करना है, फिर से 3 फंदा सीधा, 1 2
देखिए यहाँ तक दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है, स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए लास्ट में आपको एज स्टिच बचेगा, इसको उल्टा बुनना है, रॉन्ग साइड पे उल्टा बुनना है। अब देखिए रो थ्री राइट साइड, एज स्टिच स्लिप करना है। फिर देखिए अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, चार फंदा सीधा, देखिए उल्टा फंदा को भी आप सीधा बुनना है, एक दो तीन चार, चार फंदा सीधा। अब बीच के इस एक फंदा में आपको तीन फंदा निकालना है, देखिए एक एंड दो एक तीन, और फिर से चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। अब आपको ये रिपीट करते जाना है, देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर आपको रिपीट करना है, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर एक फंदा में तीन फंदा निकालना है, एक दो तीन, फिर से चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। अब आपको ये रिपीट करते जाना है, फिर से रिपीट, देखिए चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, देखिए यहाँ पर आपको आठ फंदा सीधा आएगा, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब देखिए इस एक फंदा में तीन फंदा निकालना है, एक एंड दो एक तीन, और फिर से चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। देखिए यहाँ तक दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है, स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए लास्ट में आपको एक फंदा एज स्टिच बचेगा, इसको सीधा बुनना है। अब देखिए रो फोर रॉन्ग साइड, आपको अब सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए इस तीन फंदा भी आपको उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। अब देखिए रो फाइव राइट साइड, एज स्टिच स्लिप करना है। फिर देखिए अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, फर्स्ट में आपको रिपीट करना है, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच। अब देखिए बीच का फंदा, देखिए हमेशा आपको इससे बीच का फंदा में आपको तीन का एक का तीन करना है, देखिए इस एक फंदा में तीन फंदा निकालना है, एक एंड ओवर करके दो एक तीन, देखिए तीन फंदा निकाला है, और फिर से पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच। अब आपको ये रिपीट करना है, देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर आपको रिपीट करना है, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, फिर एक फंदा में तीन फंदा निकालना है, एक दो तीन, फिर से पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच। देखिए एक ही डिजाइन हुआ है, फिर से रिपीट करना है इस पैटर्न को, देखिए पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच। अब देखिए बीच में आपको दस फंदा सीधा आएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अब देखिए बीच में आपको एक फंदा में तीन फंदा निकालना है, एक एंड दो एक तीन, और फिर से पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच। देखिए यहाँ तक दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है, स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए लास्ट में आपको एक फंदा बच गया, स्टिच सीधा बनना है। अब देखिए रो सिक्स रॉन्ग साइड, लास्ट रो आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है।
देखिए रोज 6 कंप्लीट कर लिया है। रोज 6 में आपको सरीजन आएगा, आपको 1 से 6 रो तक ही रिपीट करते जाना है। फिर से ऐसे आपको रो 1 से स्टार्ट करना है राइट साइड से। देखिए देखिए फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा। देखिए लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।